यहाँ देखो बाप रे, रास्ता पत्थर देखो कितने बड़े बड़े ऊपर तक। ये देखो पहाड़ कैसे कटा हुआ और बीच में रोड काट रखी इन्होंने पहाड़ के बीच में से। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है 22 मार्च 2023 और आज मैं घूमने के लिए आया हूँ दुर्गा देवी मंदिर। तो भाई लोगों, मैं देहरादून में सुबह ही निकल गया था और कोटद्वार से मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ और वीडियो यहीं से शुरू करूँगा। और कोटद्वार तक का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कोटद्वार तक का वीडियो बना चुका हूँ, जब मैं सिद्धबली आया था तभी बनाया था और जब मैं लैंसडाउन आया था तभी बनाया था। अगर आप यहाँ तक का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप यहाँ से जाकर के देख सकते हो। चलते हैं यहाँ से फटाफट से अब मंदिर की तरफ। तो यहाँ से दुगड्डा दिखा रहा है 11 किलोमीटर और ये है खो नदी ये पूरी और ये आगे से आ रही है पूरा। अब पानी का लेवल इस समय कम है, चलते हैं यहाँ से। और ये वाइज़र मैंने नया लगवा लिया, ये वाइज़र टूटा था जब मैं सुबह खोले गया था। ओए ओए। तो भाई लोगों, नवरात्रि शुरू हो गए हैं तो मैंने सोचा कहीं मंदिर वगैरह जाया जाए, तो आज मैं जा रहा हूँ। वो पूरी नदी ऊपर से आ गया दुर्गा देवी मंदिर, और दुर्गा देवी मंदिर दुगड्डा में पड़ता है। तो दुर्गा देवी मंदिर जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा कोटद्वार, फिर कोटद्वार से है मंदिर मेरे ख्याल में 11 या 12 किलोमीटर के आसपास है। ये आ गया पहाड़ों का ट्रैफिक, ये देखो गायें सांड ही सांड है। और ये मैं निकला था देहरादून से, तो देहरादून से ये पड़ा है मुझको अभी तक तो 123 पड़ा है और यहाँ से रह गया है 11 या 12 किलोमीटर, तो मतलब ये पड़ जाएगा 135 और 40 के अराउंड। और देहरादून से मैं हरिद्वार, कोटद्वार और फिर नहरवाली रोड होते हुए मंदिर तक जा रहा हूँ। तो भाई लोगों, साथ साथ खो नदी बह रही है और इसी में ही है, नदी के किनारे ही है दुर्गा देवी मंदिर। वो दो दिन से बारिश लगी हुई थी उत्तराखंड में और यहाँ देखो बाप रे, रास्ता पत्थर देखो कितने बड़े बड़े ऊपर तक। बाबा, तो दो दिन से बारिश लगी हुई थी इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो आज है मंगलवार, तो आज मैं निकल पड़ा सुबह सुबह और हरिद्वार में हो रहा था गर्म, फिर उसके आगे मैं आया कोटद्वार, तो कोटद्वार में भी गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा।
फिर कोटद्वार से थोड़ा सा ऊपर आकर के जब सिद्धवली मंदिर का क्रॉस किया रास्ता, तो उसके बाद अब यहाँ पे हो रहा मौसम सही। ये देखो पहाड़ कैसे कटा हुआ और बीच में रोड काट रखी इन्होंने पहाड़ के बीच में से, मज़ा आ गया। अभी मैं अकेला ही हूँ, सोलो, तो मेरे साथ तो कोई जाता नहीं है, तो मैं अकेले ही निकल पड़ता हूँ घूमने के लिए। वैसे अकेले ठीक रहता है घूमना। यहाँ से देखो तुम्हें नज़ारा दिखाते हैं यहाँ से। वैसे तो अकेले निकलना सही रहता है, जहाँ मर्जी रुक जाओ, जहाँ मर्जी घूम लो। यहाँ से देखते हैं नदी का नज़ारा। अरे गुरु, बंदर बहुत हैं भाई। नदी देखो, पूरी की पूरी नदी जा रही है, यहाँ से ऊपर से आ रही। और ऊपर से आ रहा होगा पूरा ये पत्थर बह करके। तो चलो अब चलते हैं आगे। तो अब दिख जाएगा मंदिर, ये है मंदिर। अरे गुरु, तो बहुत भीड़ हो रही है आज। तो मंदिर हम पहुंच गए हैं यार, क्या। अरे यहाँ पे दो तो ये है सामने मंदिर, वो नीचे बह रही है नदी। तो भाई लोगों, पहुंच गया हूं मंदिर, चलते हैं अब अंदर, चल के दर्शन करते हैं। तो शूज वगैरह ही निकालने होंगे, जूते वगैरह ही उतार उतूर के फिर जाएंगे हम अंदर।
यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जा करके देख के आएंगे। तो ये नीचे जाने का रास्ता है नदी तक, लेकिन शायद नदी तक तो इन्होंने बंद किया है। तो भाई लोगों कर लिए हैं मंदिर के दर्शन, अब थोड़ा मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं खो नदी का व्यू। जगह बहुत बढ़िया है, मंदिर भी बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ से सतपुली या दुगड्डा वगैरह आगे जाते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, मंदिर में माता के दर्शन कर सकते हो। देखो तो इतने बड़े बड़े पत्थर ढह करके कब और कैसे आए होंगे ये किसी को नहीं पता। ये देखो यहाँ से भी ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, वो कैमरे में छोटे लग रहे होंगे। तो भाई लोगों घूम लिए हैं मंदिर और हो गए हैं मंदिर के दर्शन, अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ को। तो भाई लोगों ये रोड आई है दुगड्डा से और ये जा रही है सतपुली के लिए, और आपको यहाँ पे मोड़ दिखाई देगा, पुल दिखाई देगा। तो इस रोड पे जाना है चरेक के लिए, और यहाँ पे लिखा भी है वे टू चरेक। चलो फिर चलते हैं यहाँ से, जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे, और टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा। वैसे जाना तो सही नहीं है इस टाइम, कोशिश करके देखते हैं। तो ये है पुल चरेक का, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए फोटोग्राफी, और रील वगैरह बनाने के लिए। तो भाई लोगों घूम लिए हैं दुर्गा देवी मंदिर, और अब निकलते हैं यहाँ से सीधा सीधा घर की तरफ। मैं थोड़ा दुर्गा देवी मंदिर से ऊपर आया था तो यहाँ पे चरेक करके जगह है, इसके लिए रास्ता जाता है, तो वहाँ चलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। फिलहाल हम यहाँ पुल तक घूम करके सीधा घर निकल लेंगे, और टाइम हो गया यहाँ पे मेरे ख्याल में 5:30, तो चलते हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ। तो भाई लोगों कर लिया है मंदिर के दर्शन, अब निकलते हैं यहाँ से घर को। और अब हो गया है अंधेरा, होने वाला है सनसेट, हो चुका है, और अब मुझको रात भर गाड़ी चलानी है। आने में तो मुझे लगा था यहाँ कोटद्वार तक 3.25 घंटे, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप आया था और उस समय उजाला भी था,
फिर कोटद्वार से मंदिर तक आने में लगा करीबन आधा घंटा, और मतलब 3.5 घंटे में यहाँ पहुँच गया था। लेकिन अब जाना है सीधा घर, तो अब रात भी हो जाएगी और अंधेरे में ड्राइव करना है, तो मेरे ख्याल में लग जाएंगे 4.5 घंटे के आसपास। और बस वहीं तक का ये सफ़र, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई लोगों, ये थे दुर्गा देवी मंदिर के दर्शन और यहाँ तक का सफ़र। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।